नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। पांच की बात में स्वागत है आपका। मैं उताबिश हुसैन। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट अब कल सुनवाई करेगा। यहां पर आज ही मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एएसआई सर्वे पर रोक की याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाई थी, लेकिन प्रतिक्रियात्मक चीजों में हुई देरी की वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी और वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी विवादित परिसर का एएसआई सर्वे का आदेश जो है वो दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ, कल तक का वक्त है लेकिन आज उम्मीद थी यहाँ पर कुछ होगा इस मामले में, लेकिन ये सुनवाई नहीं हो पाई। क्या कुछ हुआ वहाँ आज? देखिए, जैसा आप बताया आपने कि जो प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसकी वजह से कुछ कुछ डिले हुआ, क्योंकि आज इंतज़ामिया को ये पिटीशन फाइल करनी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो पिटीशन लेट फाइल हुई। देखिए, प्रोसीजरल चीज़ें होते हैं, जब पिटीशन फाइल होती है फिर रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्ट्री है वो चेक करता है कि कुछ गलती तो नहीं है, कुछ गलती होती है तो फिर रिवाइज होती है पिटीशन, तो इस वजह से काफ़ी देरी हो गई, लगभग 3 बज गया। उसके बाद फिर जो किस बेंच में सुनवाई होगी वो चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के, वो तय करते हैं, तो उन्होंने बेंच तय कर दी है। तो कल जस्टिस जयंत चैटर्जी हैं वो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे और कल सुबह ही सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास कल शाम 5 बजे का वक्त है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक। जैसा कि आपने बताया कि जो एएसआई सर्वे का आदेश दिया था जिला कोर्ट वाराणसी ने, वैसे ये एएसआई सर्वे का आदेश भी हाई कोर्ट ने ही दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही दिया था कुछ महीने पहले, और उन्होंने कहा था कि एएसआई का सर्वे कब और कैसे हो वो जिला न्यायालय तय करें। तो 21 तारीख को जिला न्यायालय ने वो फैसला लिया था कि एएसआई का सर्वे सोमवार से शुरू हो सकता है। जैसा कि हमने देखा कि कल सुबह 7 बजे एएसआई की टीम पहुंच गई थी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में और वहां पर मैपिंग का काम, रेडियो मैपिंग या तस्वीर खींचने का काम शुरू हो गया था। उसके बाद कल इंतजामिया पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उन्होंने तुरंत एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एएसआई से भी सवाल पूछा तो एएसआई ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जिससे मूलभूत ढांचे को या मस्जिद की संरचना को कोई नुकसान पहुंचे, हम सिर्फ तस्वीरें खींच रहे हैं, रेडियो मैपिंग कर रहे हैं, नापजोक कर रहे हैं और हम कुछ तोड़फोड़ या खुदाई नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद उस पर भी आपत्ति दर्ज कराई जब इंतजामिया पक्ष ने, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने, खुद चीफ जस्टिस ने सुनवाई करी थी जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने, उन्होंने कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए और 26 तारीख शाम 5 बजे तक, यानी बुधवार शाम 5 बजे तक एएसआई के किसी भी प्रकार के सर्वे पर रोक लगा दी गई थी। तो कल शाम 5 बजे तक का वक्त है ताबिश हाईकोर्ट के पास, तो हाईकोर्ट कल, मेरे को लगता है कि 11 बजे कल लगभग ये जो पिटीशन है वो सुनवाई के लिए आ जाना चाहिए और 11:30 बजे तक हमें पता चल जाएगा कि एएसआई का सर्वे बुधवार शाम 5 बजे के बाद होगा या नहीं होगा। तो कल सबकी नज़रें प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट पर रहेंगी और काफ़ी अहम दिन रहेगा अगर बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद है उसके संदर्भ में। ताबिश, बिल्कुल सौरभ, अब ये मामला भी अगर देखें, इससे पहले भी जो वजू खाने वाली जगह का मामला था वो भी काफी कोर्ट में चला था, अब इसके अलावा जो जगह है उसके सर्वे का यहाँ पर जिक्र है, तो क्या कुछ कहना है दोनों ही पक्षों का कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ, अब यहाँ पर हाई कोर्ट में जो चीजें यहाँ पर तय होनी है उसमें। देखिए, जो जो इंतजामिया पक्ष है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी बात करती है, जो 1990 के दशक में आपको याद हो पास हुआ था कि 1947 से जो जहां पूजा कर रहा है वो वहां पर पूजा करता रहेगा सिवाय राम मंदिर अयोध्या, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड साइट थी, उसके अलावा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। तो इंतजामिया पक्ष यही कहता है कि चाहे वो सर्वे कराने की बात हो या जब कोर्ट कमीशन ने सर्वे किया था इसमें वो वजू खाने में कथित शिवलिंग मिलने की बात थी, तब से ही ये लगातार इंतजामिया पक्ष कह रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। वहीं दूसरी तरफ जो जो इन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पिटीशन फाइल की थी वाराणसी कोर्ट ने, या जिन्हें हिंदू पक्ष कहा जा रहा है, उनका अपनी दलील, उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहले से पूजा होती आई है, होती रही है, इस मस्जिद परिसर में भी श्रृंगार गौरी का मंदिर, इसमें साल में एक बार पूजा करने की इजाज़त है, तो वो 1947 के पहले बाद भी वहाँ पर पूजा होती आई है, तमाम ये दलीलें दी जाती रही हैं और एएसआई सर्वे का आदेश भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही दिया था एक दूसरी पिटीशन में। तो कई पिटीशन फाइल हो गई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चाहे वो स्वयंभू शिवलिंग की बात हो, यहाँ तक एक पिटीशन फाइल है हाई कोर्ट में कि जो
मस्जिद और मंदिर के बीच में एक दीवार है, तो उस दीवार को तोड़ करके खुदाई करके सर्वे किया जाए, तमाम तरीके की पिटीशन फाइल की गई है, एसआई सर्वे कराया जाए जिससे वजू खाना में जो कथित शिवलिंग मिलने की बात है, जिसे जो पिटिशनर्स हैं यानी हिंदू पक्ष है वो कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, वहीं जो इंतजामिया पक्ष है वो कह रहे हैं फवारा है, तो वो कितना पुराना है, उसकी कार्बन डेटिंग की भी मांग होती रही है। तो एसआई सर्वे करा करके ये पता करने की कोशिश है कि जो अंदर जो मटेरियल है या जो जो नींव है वो कितनी पुरानी है, क्योंकि जो मस्जिद बनने के बाद 15वीं सदी में बनने के बाद, अगर 15वीं सदी में मंदिर मस्जिद बनी है तो उससे पहले क्या वहाँ मंदिर था या नहीं था, उसके अवशेष हैं कि नहीं है, इसलिए एसआई सर्वे की मांग थी। लेकिन अब एसआई का सर्वे होगा नहीं होगा ये कल इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो कई सारे सवाल हैं जिनको लेकर एसआई सर्वे की मांग जो है वो यहाँ पर इस मामले में की जाती रही है। अब एसआई सर्वे होगा या नहीं ये कोर्ट में तय होगा और इस पर कल यहाँ पर सुनवाई होगी। शुक्रिया सौरभ आपका इस सब जानकारी के लिए। तो ज्ञानवापी परिसर के एसआई सर्वे के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वो कल जो है वो कोर्ट सुनेगा और यहां पर प्रतिक्रियात्मक चीजों की वजह से जो उसमें देरी हुई इस वजह से आज सुनवाई इस पर नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं और अब बात मणिपुर की करते हैं। मणिपुर सरकार ने जातीय हिंसा प्रभावित राज्य में आंशिक रूप से इंटरनेट बहाल कर दिया है। सरकार ने आज एक आदेश में कहा कि केवल वो लोग जिनके पास स्टैटिक आईपी कनेक्शन है वो ही सीमित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि अगर कोई सब्सक्राइबर किसी अन्य कनेक्शन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो इसके लिए सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब किसी डिवाइस को एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दिया जाता है तो यूनिक एड्रेस नहीं बदलता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस की निगरानी करना आसान होता है। फिलहाल राज्य में मोबाइल इंटरनेट पर लगी पाबंदी जारी रहेगी। चीन ने अपने विदेश मंत्री चिन गांग को हटा दिया है और उनकी जगह वांग जी को फिर से विदेश मंत्री यहां पर बनाया गया है। चिन गांग का एक महीने से आता पता नहीं है और अब खबर यहां पर यह आई है कि इनकी जगह पर चीन ने यहां पर चिन गांग की जगह पर वांग जी को फिर से विदेश मंत्री बनाया है। तो यहां पर चीन से ये जानकारी जो है वो निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि चिन गांग का जो है एक महीने से आता पता नहीं है वो कहाँ है। इसके बाद से ही ये खबर जो है वो आई कि उनका आता पता नहीं चल पा रहा है और तब से ये बड़ा फैसला जो है वहाँ पर लिया गया है। चीन ने अपने विदेश मंत्री चिन गांग को हटाकर उनकी जगह पर वांग यी को फिर से विदेश मंत्री यहाँ पर बना दिया है। उमा शंकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा बताइए इस डेवलपमेंट के बारे में। जी देखिए, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, जो चीन के विदेश मंत्री थे चिन गांग, वो तकरीबन एक महीने से 25 जून को आखिरी बार वो सार्वजनिक तौर पे देखे गए थे जब वियतनाम और रूस के प्रतिनिधिमंडल से वो मिले थे। उसके बाद से उनका अता पता नहीं है। 13 जुलाई को जो चीन के विदेश मंत्रालय की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा यह गया था कि उनकी तबीयत खराब है और इसलिए वो आसियान सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन बाद में उस जानकारी को आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया गया। और फिर जब 17 जुलाई को पूछा गया विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से तो उन्होंने कहा इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये रहस्य और ज्यादा बढ़ गया है कि चीन के जो अब तक विदेश मंत्री थे चिन गांग वो कहाँ हैं। और इस बीच जो चीन की जो एक रबर स्टैंप संसद है उसने इस बात की तस्दीक की है, इस बात की नियुक्ति की है कि जो वांग यी जो कि पहले 2013 से 2022 तक विदेश मंत्री रह चुके चीन के, उनको फिर से विदेश मंत्री के तौर पे नियुक्त किया गया है। ये एक अपने आप में अनयूजुअल सा कदम है कि जो पूर्ववर्ती विदेश मंत्री हैं उनको फिर से विदेश मंत्री बनाया गया। और इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि चिन गांग कहाँ हैं। एक अफवाह ये भी निकलकर सामने आई कि उनका कोई एक अफेयर है जिसको लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है और इसलिए वो पर्दे के पीछे हैं, लेकिन इस सब बातों की कोई तस्दीक नहीं है। लेकिन अब जो नया डेवलपमेंट आया है कि वांग यी को फिर से विदेश मंत्री बना दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये रहस्य और ज्यादा गहरा हो गया है कि आखिरकार चीन के जो विदेश मंत्री अब तक रहे चिन गांग वो आखिर कहाँ है। साबिश बिल्कुल ये रहस्य अब और गहरा इसके साथ हो गया है। वो कहाँ हैं इसको लेकर कोई जानकारी जो है वो नहीं है। जो विदेश मंत्री चिन गांग थे उनको अब हटाकर इनकी जगह पर वांग यी को विदेश मंत्री वहां पर फिर से बना दिया गया है। बहुत शुक्रिया उमा आपका सब जानकारी के लिए। पांच की बात में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, जल्द हाजिर होता।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पांच की बात देख रहे हैं आप। कंजेक्टिवाइटिस पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल रहा है और आम बोलचाल की भाषा में इसे आई फ्लू कहा जाता है। मौसम बदलने के साथ आंख की लाली और उससे पानी निकलने की समस्या वाली इस बीमारी को लेकर अस्पताल में लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। आंख के अलग अलग अस्पतालों के ओपीडी में जो लोग आ रहे हैं उसमें 20 से 30% तक मरीज आई फ्लू की शिकायत वाले हैं। हमारे सहयोगी परिमल ने एम्स के राजेंद्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर जेएस टिटियाल से इस पर बात की। डॉक्टर टिटियाल, ये जो दिक्कत है कंजक्टिवाइटिस की, वो हम क्या यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं एम्स में बीते कुछ दिनों में जो मामले बढ़े हैं वो कितना मामले बढ़े? हाँ, ये जो एक्यूट कंजक्टिवाइटिस जो इस सीजन में आई हुई है, जिसे हम कॉमन आई फ्लू भी कहते हैं, क्योंकि ये रैपिडली स्प्रेड करता है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों में जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। हम ये देख रहे हैं कुछ दिनों में, पिछले 4-5 दिनों में इसकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है। हमारे इमरजेंसी सर्विसेज में और ओपीडी में करीब करीब हर दिन जो है 100 से ज़्यादा मरीज हमारे पास आ रहे हैं जिनको कि ये दिक्कत आ रही है। ये वो लोग हैं जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, उनके फैमिलीज में उनको देखेंगे तो बड़े सारे लोगों को ये कॉमन आई फ्लू हो गया है, जो एक वायरल इन्फेक्शन है, रैपिडली स्प्रेड करता है आदमी से आदमी के लिए, और कभी कभी इसके ऊपर जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सुपर एडेड हो सकता है, जिसके कारण से आपको बहुत सारे डिस्चार्ज आते हैं, आँख चिपक जाती है और पलकों में सूजन आ जाती है। लेकिन ये बीमारी, वायरल बीमारी जो है सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप 2 हफ्ते के अंदर जो ठीक हो जाती है। अभी देख रहे हैं कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इनफैक्ट हम इसको जो है एपिडेमिक भी कह सकते हैं, कि काफ़ी नंबर ऑफ पीपल जो सफरिंग है, जैसे बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि हर तीसरा आदमी जो है इससे इन्फेक्शन हो रहा है उनको, तो एक एपिडेमिक सा हो जाता है। लेकिन थैंकफुली ये ऐसी बीमारी है कि कुछ दिनों में, जैसे ये बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा, ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। परंतु विगत 75 साल में ना सहकारिता आंदोलन पर कोई ध्यान दिया गया, ना उसके कानूनों में पुनर्रचना का सार्वजनिक रूप से चर्चा हुआ, ना देश की संसद में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सहकारिता आंदोलन को बदलने के लिए मंथन किया गया। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय नया बनाने के बाद, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाले 25 साल में, मतलब जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब सहकारिता आंदोलन भीड़ से पुरजोश तरीके से देश के विकास में अपना योगदान देगा। माननीय अध्यक्ष, ये 2 साल में सहकारिता आंदोलन में आमूलचूर परिवर्तन करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सबसे पहला काम पैक्स, जो पैक्स सहकारिता आंदोलन की आत्मा होती है, वो पैक्स को पुनर्जीवित करना, वो पैक्स को वायबल करना, पैक्स के अंदर पारदर्शिता लाना और पैक्स को बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल बनाने के लिए ढेर सारे प्रयास किए हैं। अगर पैक्स में पारदर्शिता लानी है, पैक्स को आधुनिक बनाना है, तो उसकी सबसे पहली जरूरत थी कि पैक्स का कंप्यूटराइजेशन किया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये मंत्रालय बनने के बाद पहली कैबिनेट नोट मोदी जी ने हमारे मंत्रिमंडल में अप्रूव की, 63,000 पैक्स को 2500 करोड़ रुपया देकर संपूर्ण भारत के पैक्स का कंप्यूटराइजेशन करने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, पैक्स के कंप्यूटराइजेशन से पैक्स डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ जुड़ेंगे और साथ में नाबार्ड के साथ भी सीधा उनका जुड़ाव हो जाएगा। ऑडिट की प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ऑनलाइन होगी और सिस्टम इंटीग्रेटर फाइनल होने के बाद पैक्स कई प्रकार के नए व्यवसायों में जुड़ेंगे, जिससे इसकी वायबिलिटी में बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमने दूसरा काम किया, पैक्स के लिए एक मॉडल बायलॉज बनाकर सभी राज्यों को भेजा गया। जैसे
पैक्स राज्य सरकार के सहकारिता कानून में आते हैं, परंतु सहकारिता मंत्रालय ने एक मॉडल कानून बनाया और सभी राज्यों को एडवाइजरी के रूप में भेजा। मुझे आनंद है कि बंगाल और केरल छोड़कर सभी राज्यों ने इसको स्वीकार कर दिया और आज देश भर के पैक्स एक ही कानून से मान्यवर चल रहे हैं। पैक्स अब डेयरी भी बन पाएंगे, पैक्स अब मछुआरा समिति भी बन पाएंगे और पैक्स ढेर सारे काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमने अब एफपीओ जो पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप कंपनी और प्रोप्राइटरशिप तक सीमित था, अब पैक्स एफपीओ का भी काम करेगा और 1100 पैक्स एफपीओ के नाम से रजिस्टर हो चुके हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मोदी जी ने एक प्रकार से 13 करोड़ गरीबों को। तो गृह मंत्री अमित शाह को आप यहां पर देख रहे थे, लोकसभा में उन्होंने बिल जो है वो पेश किया है, सहकारिता के क्षेत्र में जो काम किया गया है उसके बारे में वो यहां पर बता रहे थे, जानकारी दे रहे थे। और इसी बीच विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी भी यहां पर की जा रही है। जीएसटी काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% टैक्स लगाने का जो फैसला किया है, इस पर एक बड़ी राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस किए हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, रेवेन्यू सेक्रेटरी के सामने उनके साथ बैठकें भी हुई हैं और सरकार के अलग अलग विभागों की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं। इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारत के रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। ये एक सवाल मुझे लगता है कि शायद आपके सामने सबसे अहम सवाल है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस किए गए ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से। ये कहा गया इसका असर एफटीआई के फ्लो पर पड़ेगा, ये कहा गया कि एक इमर्जिंग सेक्टर है, बहुत सारी नौकरियां इसमें जा सकती हैं और सरकार को इस पर जीएसटी काउंसिल को नए सिरे से पुनर्विचार करना चाहिए। आपकी क्या राय, आप कैसे देखते हैं जो ये सवाल, ये चिंताएं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की तरफ से रखी गई आपके सामने? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मुझे नहीं मालूम कि ये जो चिंता है क्या ये निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय जो बहस, जैसा कि आपने कहा कि क्या ये एक उस प्रकार की राष्ट्रीय बहस है जिसमें सभी आम जो जनता है वो उससे जुड़ी है, क्योंकि हमारे पास में जो रिप्रेजेंटेशन आए हैं, केवल 3 रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में गेमिंग इंडस्ट्री से, 3 या 4 रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में आए होंगे। ये बात सही है कि माइटी ने भी इसके ऊपर में कुछ वक्तव्य दिए हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन हालांकि हमारे पास में अभी नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बात सही है कि मीडिया में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से ये बन गया है। तो जहाँ तक मुद्दे की बात है, ये निर्णय जो है जीएसटी परिषद, जिसमें राष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर और साथ ही साथ सभी प्रदेशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स वो सदस्य रहते हैं, और ये निर्णय ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर में 28% का टैक्स लगाने का और जीजीआर पे नहीं फेस वैल्यू पे लगाने का दो निर्णय लिए, वो दोनों ही निर्णय सर्वसम्मति से उन्होंने बहुत सोच विचार करके, क्योंकि इसके ऊपर में एक जीओएम बना था, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें चीफ मिनिस्टर मेघालय उसके अध्यक्ष थे, और लगभग 2 वर्ष से उन्होंने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ में वार्ता की, उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री से भी वार्ता की, कैसीनो वालों से भी वार्ता की, और रेस हॉर्सिंग चूँकि वो भी एक जीओएम में विषय था उससे भी उन्होंने वार्ता की, उनसे बातचीत की, और उसके बाद में ही ये एक निर्णय पर आज कुछ दिन पूर्व जीएसटी काउंसिल इसमें सर्वसम्मति से पहुँचा है। इसमें गोवा के जो मंत्री हैं उनका एक बयान मीडिया में आया, कर्नाटक के एक मंत्री हैं उनका बयान इसमें आया, और इसमें ये कहा गया कि इस फैसले को कैसे लागू किया जाए इस पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। ये बात गोवा सरकार और कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री की तरफ से आया। क्या जो टैक्स है वो एंट्री लेवल पर लगाया जाए या फिर जो टैक्स है वो हर एक बेट पर लगाया जाए, इस पर क्या आपकी थिंकिंग है? ये एक अहम मुद्दा है, इसके ऊपर में चूँकि
काउंसिल ने केवल यही कहा है कि जीजीआर पे नहीं लगेगा, फेस वैल्यू पे लगेगा। तो वो फेस वैल्यू किस प्रकार से उसका निर्धारण किया जाए, उसके लिए हमारी काउंसिल ने एक लॉ कमेटी, एक स्थायी कमेटी एक बनाई हुई है, एक लॉ कमेटी है और एक फिटमेंट कमेटी है जो कि अधिकारियों की समिति है, जिसमें स्टेट के, राज्य के और केंद्र के दोनों के अधिकारी इसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने उसके ऊपर में वार्ता की है और वार्ता करने के बाद में उसके ऊपर वो अपना सिफारिश करेंगे, वो काउंसिल में रखी जाएगी और फिर उसके बाद में काउंसिल उसके ऊपर में निर्णय लेगा कि क्या ये एंट्री लेवल पे होना चाहिए जैसा कि गेमिंग इंडस्ट्री शायद चाहती है, और या फिर क्या ये प्रत्येक बेट पे, जिस बेट में केवल रियल मनी नहीं, रुपए नहीं, लेकिन टोकन के रूप में या चिप्स के रूप में जो गेमिंग इंडस्ट्री, गेमिंग कंपनी प्लेटफॉर्म देती है, उसके उसको यूज़ करने पे भी क्या टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, उसके ऊपर में काउंसिल अपना निर्णय करेगी। यानी ये हम मान सकते हैं कि आने वाली जो जीएसटी काउंसिल की बैठकें हैं उसके सामने जब फिटमेंट कमेटी या अधिकारियों की कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो इस पर फिर से विचार होगा कि इस 28% के टैक्स को कैसे लागू किया जाए, मोडालिटीज़ क्या हो। लेकिन जीजीआर पे जैसा कि पहले वो कर रहे थे उसके ऊपर में सर्वसम्मति से निर्णय था, उसके ऊपर में नहीं होगा। मोडालिटीज़ किस प्रकार से लागू किया जाए, क्योंकि जीजीआर पे जब लागू करते हैं तो वो टैक्स जो है बहुत कम बनता है, क्योंकि वो जीजीआर जो है वो एक सर्विस के रूप में जो नेट रेवेन्यू जो आती है कंपनी को केवल उसके ऊपर में लगता है, जबकि जो पैसा एंट्री पे वो देते हैं उसमें से पैसा न केवल गेमिंग कंपनी को जाता है बल्कि विनर्स को भी जाता है कुछ पैसा। तो जो मुद्दा है वो यही है कि जो विनर्स को जो पैसा उसमें से जा रहा है क्या उसके ऊपर में भी टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। जैसे कि लॉटरी है फॉर एग्जांपल, लॉटरी से अगर हम इसकी तुलना करें तो लॉटरी यदि 100 रुपये की हम लेते हैं तो उसके ऊपर 28% टैक्स है, और जो लॉटरी खिला रहा है, जो लॉटरी की कंपनी है, अगर वो 2% उसमें से रख रही है, वो ज़्यादा नहीं रखते हैं, 2% ही रखते हैं, तो जो 98 रुपये है वो 98 रुपये जो लॉटरी का विजेता होता है उसको मिल जाता है, जब सभी लोगों का सम्मिलित होकर के 100-100 रुपये करके, तो वो 98% राशि उसके ऊपर में जाती है, लेकिन उसके ऊपर में भी टैक्स होती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी विनिंग्स के ऊपर में तो टैक्स लगेगा, लेकिन वही विनिंग्स को बार बार जब वो लगाते हैं वर्चुअल मनी के रूप में तो क्या उसके ऊपर में भी टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसके ऊपर में काउंसिल निर्णय करेगी। जी एक सवाल था, राजीव चंद्रशेखर जी ने ट्वीट किया था उस फैसले के कुछ दिन बाद, जिसमें उन्होंने कहा कि वी विल रिक्वेस्ट जीएसटी काउंसिल टू कंसिडर अ न्यू फ्रेमवर्क टू रेगुलेट ऑनलाइन गेमिंग दैट डिफाइंस परमिसेबल ऑफकोर्स ऑनलाइन गेम्स। एक नया फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल विचार करे। आप कैसे देखते हैं इस सोच को, इस थिंकिंग को, मेटी मिनिस्ट्री की तरफ से ये स्पष्टीकरण आया? मेटी मिनिस्ट्री से देखिए अभी कोई हमारे पास में प्रस्ताव नहीं आया है लिखित रूप में, जब भी उनका प्रस्ताव आएगा निश्चित रूप से उसके ऊपर में विचार किया जाएगा, उसके ऊपर में निर्णय लिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि परमिसेबल तो गेम को परमिसेबल तो देखिए होना ही होगा, अगर वो लॉ से परमिटेड नहीं है तो देन वो जो गेम है वो इलीगल हो गई, तो उसको तो लीगल तो होना ही है, परमिसेबल तो गेम को होना ही चाहिए। केवल जो मुद्दा है वो ये है कि जो गेम एक स्पोर्ट के रूप में खेली जा रही है बिना मनी के रूप, बिना किसी प्राइज मनी जिसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसके ऊपर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा अभी भी 18% का ही हमारा कर दर है। जब मनी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और स्टेक्स के लिए जब लोग उसमें खेलते हैं, परिषद का जो निर्णय है वो उन गेम्स के ऊपर में 28% टैक्स लगाने का है, स्पोर्ट्स के ऊपर में 28% टैक्स नहीं है। तो अगर चेस की कोई गेम आदमी वहाँ पे खेल रहा है बिना किसी स्टेक्स के, वहाँ पे अगर आप खेल रहे हैं तो उसके ऊपर में 18% ही है, लेकिन जहाँ स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं और या एक टाइम पास के लिए आप खेल रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए आप खेल रहे हैं, लेकिन इट इज़ अ टाइम पास, इट इज़ वो एक स्पोर्ट नहीं रह गया, वो केवल एक टाइम पास रह गया। तो परिषद का ये सोच थी कि इस प्रकार की जो गेम्स हैं उन पे 28% टैक्स होना चाहिए, बेहतर होगा कि लोग जो है इस प्रकार की गेम्स
कम खेलें क्योंकि ये एडिक्टिव हैं, और अन्य प्रकार के जो स्पोर्ट्स हैं, अगर स्पोर्ट्स ही खेलना है तो अन्य प्रकार के स्पोर्ट्स खेलें, या फिर प्रोडक्टिव मींस में अपनी एनर्जी और टाइम जो है लगाएं। इस प्रकार से कई मंत्रियों की जीएसटी परिषद में ऐसी सोच भी सामने आई थी। जी, दो छोटे सवाल हैं इनकम टैक्स को लेके। एक तो वित्त मंत्री ने कहा है कि गवर्नमेंट हैज सेंट 1 लाख नोटिसेस फॉर नॉट फाइलिंग आईटी रिटर्न्स, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम। इसी के साथ एक सवाल ये भी है, इसकी मीडिया में बहुत चर्चा है कि बहुत सारे नोटिसेज आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से भेजे गए हैं जिसमें लोगों ने फेक रिसीट्स या फेक बिल्स सबमिट किए हैं। क्या ये एक थिंकिंग के तहत किया जा रहा है? क्योंकि ये शायद पहला मौका है जब आप जो रेंट रिसीट होता है या जो दूसरे लोग बिल्स जमा करते हैं उसकी बहुत डिटेल स्क्रूटनी हो रही है, इसके पीछे थिंकिंग क्या है इस पर? क्योंकि बहुत चर्चा है सर इस पर। नहीं देखिए, ये नोटिस जो है, सबसे पहले तो हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जो भी टैक्स करदाता है उस करदाता को हम समस्त इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है, जैसा कि आपको मालूम है AIS और TIS के माध्यम से, टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम और टोटल इनकम स्टेटमेंट के जरिए हम टैक्स पेयर को बता दें कि हमारे पास आपकी इनकम से रिलेटेड और जो आपका TDS के रूप में जो पैसा कटा है उसकी स्टेटमेंट हमारे हिसाब से ये आपके हमारे पास में है। तो कृपया करके जो भी टैक्स करदाता हैं उनसे निवेदन है, क्योंकि अभी रिटर्न्स भरने की अभी अंतिम तिथि बिल्कुल नज़दीक है, तो जब वो रिटर्न भर रहे हैं तो अपना AIS TIS ज़रूर देख लें, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास में टैक्स अथॉरिटीज़ के पास में है, तो इससे उनको सहूलियत मिलती है। तो हमारा भी प्रयास यही है कि ये इन्फॉर्मेशन हम उनको दें और उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर में वो करदाता अपना रिटर्न भरें। लेकिन उसके बावजूद भी यदि वो उसमें नहीं भरते हैं, कोई इनकम अपनी नहीं दिखाते हैं जो हमें लगता है कि वो इनकम है जो उन्होंने नहीं दी है, तो हम उनको नोटिस देते हैं, उनको हम दूसरी अपॉर्चुनिटी देते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी तो हम उनको रिटर्न भरते समय देते हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटी हम उनको देते हैं कि हो सकता है हमारे पास में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो, ये इनकम ना हो, ये कुछ और रिसीट आपकी प्राप्त हुई हो जो कि गलत रिपोर्ट हो गई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो ये नोटिस उनको दिए जाते हैं, उसका वो जवाब देंगे। तो उसके बेसिस पे जैसा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा कि उनको हम त्वरित गति से उनका हम निपटारा करेंगे ताकि उसमें एक फाइनलिटी जल्दी से जल्दी आ सके। एक और जो कोशिश आप अपनी तरफ से कर रहे हैं, ऑफ कोर्स टैक्सेशन रिफॉर्म के दिशा में बहुत सारी पहल हो रही हैं, इसमें एक चुनौती ये भी है GST इनवॉइस फ्रॉड्स की, और इसमें भी संसद में जो जानकारी रखी गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से, उसमें वित्त मंत्री ने कहा है 26,250 मामले ऐसे पाए गए हैं और इसमें 1,15,000 करोड़ के आसपास 2018-19 से 2022-23 के बीच में इनवॉइस के फ्रॉड्स हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए? क्या आप, जब आपको पता है कि इतने लोग GST से बचने की इवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप उनकी पहचान कर पाए हैं? कितना आप रिकवर कर पाए हैं अभी तक? ये जो आंकड़े हैं, मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहूँगा, ये आंकड़े हैं ये केवल जो केंद्रीय हमारी एजेंसीज हैं CBIC उनके द्वारा में जो टैक्स GST के चोरी के मामले हैं वो केवल उन्हीं का आंकड़ा है। इसके अतिरिक्त स्टेट अथॉरिटीज़, स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट, GST डिपार्टमेंट, वो भी इस प्रकार के टैक्स एविजन के केसेस चिन्हित करता है, पहचान करता है और उनके विरुद्ध कार्रवाई करता है। तो ये आंकड़ा कुल मिलाकर के इससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आप यदि इसे प्रतिशत के रूप में, टोटल जो हमारी कर है 18 लाख का टोटल कर हमने पिछले वर्ष किया, तो ये 1,05,000 की संख्या है, तो कोई बहुत ज़्यादा प्रतिशत में 1-2%, 3% तक के हो सकता है। अब आपको नोएडा की तस्वीरें दिखाते हैं। नोएडा के इकोटेक इलाके में पानी भर गया है और यहां पर सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, और इसके पीछे की वजह हिंडन नदी में पानी का लेवल बढ़ना है, जिसकी वजह से यहां पर जो ये इलाका है इकोटेक इलाका जहां पर पानी किस कदर भरा है, आप देखिए गाड़ियां करीब करीब पूरी डूबी हुई यहां पर नजर आ रही हैं।